नितानंद उस धनी से वचन दिए थे वीर, भूल गए इत आए के खूब करी तकसीर। धनी वो परमपिता परमात्मा से वादा किया था, कब जब पग ऊपर सिर नीचे गर्भ मास में लटक रहा, मल मूत्र में दशा पड़ा, तब बाहर आवन को तरस रहा। तब उस धनी से उस परमात्मा से वादा किया था कि प्रभु मैं तेरा भजन करूंगा, लेकिन यहां आकर के हम सब भूल गए। ये जीव मुसाफिर आईया तन सराय के माही। संत महापुरुष इस जीव को मुसाफिर कहते हैं, और तन रूपी सराय में, शरीर रूपी सराय में ये जीव ये पंछी ठहरा हुआ है, और देर सवेर चाहे कोई भी हो, एक दिन इस पंछी ने इस काया नगरी को छोड़ के जाना पड़ेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा सूरवीर बलवान धनवान एक समय आया सभी छोड़ करके चले गए। जाना अटल सत्य है, लेकिन जाने जाने में बड़ा फर्क है। एक सिंहासन बैठ चले, एक बंद चले जंजीर। एक सिंहासन पर बैठ कर के जाए, एक जंजीरों में बंद के जाए। एक जन्म मरण का जो दुख है, उन दुखों से छूट कर जाए। एक बार बार जन्मे मरे मरे फिर जन्मे, ऐसे ही चक्कर काटता रहे। प्रारब्ध जन्मों की एक घटना मुझे याद है। एक बड़ा साहूकार परिवार घूमने के लिए गया था उत्तराखंड में। वह परिवार जब घूमने गया तो रास्ते में वे एक होटल में ठहरे। उनके साथ था एक बच्चा, रहा होगा 8-9 साल की उम्र रही होगी उस बच्चे की। तो वो जो होटल में ठहरे वो पहाड़ियों में रास्ते में बना हुआ था होटल, एकांत था। तो वो बच्चे के वो सब नजारा देख के पिछले जन्म की घटना याद आ गई। वो नजर बचा के परिवार से वो बच्चा वहां से निकल गया, और जहां कंजर रहते थे पहाड़ की कंदराओं में, एक जो है छोटी सी जगह में रहते थे, कंजर जाति के लोग रहते थे, तो वहां जब पहुंच गया, जो पिछला जन्म उनका हुआ था उस घर में वो पहुंच गया। जब वो उस घर में पहुंचा तो सभी लोग पहचाने, उसने सबके नाम बताए। उन लोगों ने पुरानी अपनी अपनी बातें पूछी, तो उस कॉलोनी के जो लोग रह रहे थे उन लोगों के भी वो निश्चय हुआ कि हमारा ही भाई है जिसकी मौत हो गई थी, और इस जन्म में इसको प्रारब्ध की पिछले जन्म की याद है, ये हमारा भाई है। ये मान करके वो बड़े खुश हुए, खुशियां मनाने लगे, एक दूसरे को देख के सब आनंदित हुए, और दूसरी जगह मातम छा गया, बच्चा कहाँ गया। चारों तरफ ढूंढने के बाद कंप्लेंट की गई, पुलिस आई, बारीकी से छानबीन हुई, तो वो बच्चा मिल गया। कंजर लोग वो कहें, पहाड़ी लोग कहें कि बच्चा हमारा है, वो रिच फैमिली वो कहे कि हमारा बच्चा है। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। जब दोनों में विवाद हुआ तो पुलिस अधिकारी ने बीच में आकर के उस बच्चे से पूछा कि आप इस शहर में, इस गांव को छोड़ करके जो नजदीक शहर है उस गांव में से किसी को जानते हो।
उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था। उस बच्चे ने कहा, मैं फलाने व्यक्ति को जानता हूं जिसके मैं नौकरी करने के लिए जाया करता था। तो पुलिस अधिकारी ने कहा, क्या आप उस सेठ को पहचान लोगे? नुलहा, मैं पहचान लूंगा। घर पहचान लोगे? नुलहा, मैं घर भी पहचान लूंगा। सदगुरु की प्यारी सा संग जी, उस बच्चे के पिछले जन्म का परिवार है, मौजूदा जन्म का परिवार है, पुलिस अधिकारी है। उस शहर में पहुंचे, बच्चा आगे है कर दिया। जब नजदीक गली आई, घर नजदीक आए तो बच्चा आगे है, सभी पीछे पीछे हो गए। वह लड़का ठीक उसी घर में पहुंचा और सेठ जी के पास बहुत सारे लोग बैठे थे। उस लड़के ने ठीक सेठ जी को ही पहचाना। ये देख के सब हैरान थे, सभी हैरान थे। सेठ ने भी अपनी जो वो लड़का और सेठ जो जानता था पुरानी जो बातें थी वो बात पूछी, तो उस लड़के ने जो की तो वो बात भी बता दी। जब यह घटना धीरे धीरे फैलने लगी, लोगों में जाने लगी, तो गीता प्रेस में एक संत लेखक थे, स्वामी सुखराम दास जी महाराज। राम सुखदास महाराज ने जब इस बात का पता चला तो स्वामी जी वहां उस जगह पर पहुंचे, मुआयना किया, हर जगह तसली करके वह स्वामी जी महाराज उस सेठ जी के पास पहुंच गए। और उनके दिमाग में एक बात थी कि इतने गरीब घराने में जहां रोटी के लाले थे, दिहाड़ी मजदूरी करके गुजारा करना पड़ता था, और इस लड़के ने ऐसा क्या कर्म किया अचानक इतने बड़े रईस घराने में पैदा हुआ। कोई तो कर्म किया होगा, कोई तो इसके जीवन का बहुत गहरा मायना संबंध रहा होगा। तो उस बात को खोजने के लिए स्वामी जी वहां पहुंच गए। उस सेठ जी से पूछा कि लाला जी, ये लड़का जो आपके पास आया था पिछले जन्म में, आपके नौकरी करता था, तो इस लड़के में कोई तो योग्यता थी, ऐसा क्या कर्म किया इसने जिसकी वजह से बहुत गरीब घराने से बड़े रईस घर में पैदा हुआ? तो साहूकार सेठ ने बताया कि ये लड़का ईमानदार था और बहुत सारी समाज हित की बातें सोचता था और यथा सामर्थ्य ये करने की कोशिश भी करता था। इसके साथ साथ यहां दिहाड़ी और मजदूरी करता था। जो नौकरी करता था उसमें से कुछ पैसा बचा के मेरे पास जमा कराता था। जब वो पैसा इकट्ठा हो गया तो यहां पहाड़ी के ऊपर पानी के लाले थे, पानी नहीं था। नीचे तो बहुत है पानी, लेकिन अब पहाड़ी पे लोग आने जाने को वाले लोगों को बड़ी परेशानी होती थी। जब पैसा इकट्ठा हुआ तो उस लड़के ने मुझसे कहा कि सेठ जी, इन पैसों की आप कुई बनवा दें और आपका ही पत्थर लगवा देना, मेरा नाम मत लिखना, क्योंकि मैं छोटी जाति का हूं, लोगों में छुआछूत की बड़ी बीमारी है, अगर मैं कुई बनवाऊंगा तो ये लोग पानी नहीं पिएंगे, इसलिए सेठ जी आप अपने नाम से एक कुआ बनवा दो। तो सेठ ने क्या किया, कुआ बनवाया और सेठ जी ने बताया उस कुएं पे मेरे नाम का पत्थर लगा हुआ है। राम सुखदास महाराज जी ने इस घटना पे बड़ा जोर दिया कि इस व्यक्ति का उदार भाव था, जनमानस के हित के लिए कर्म करता था, उसी श्रेष्ठ विचार, उच्च विचार के लिए। ध्यान देना,
हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, व्रत भी करते हैं, दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, लेकिन हमारा विचार ठीक नहीं हो पाता, हम अपनी सोच नहीं बदल पाते। मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, पूजा करें, जप तप करें, ध्यान करें, लेकिन सोच वही की वही रहती है, अच्छे विचार रहते हैं, निंदा चुगली की भावनाएं रहती हैं। तो सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, जैसी हमारी सोच है वैसे ही हमारी मनोदशा बनती जाती है और हम वैसे ही कर्म करने लग जाते हैं। भले ही मंदिर गुरुद्वारे जाएं, पूजा करें, जप करें, हो सकता है मन में डर हो कोई इसलिए मंदिर जाते हैं, लेकिन निर्भय नहीं, निर्विकार नहीं, और जब तक निर्विकार नहीं होंगे आध्यात्मिक दौलत नहीं मिल सकती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, आज के वक्त में लोगों नु राम खिलौना जाना, बस मंदिर हो आते हैं, पूजा कर आते हैं, बस बन गई बात और विचार नहीं बदलते हैं। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं, भाई आप भले ही मंदिर एक वक्त कम चले जाना, भले ही राम राम एक बार कम कर लेना, पर अपनी सोच को ठीक करना जरूरी है, आपके विचार को ठीक करना जरूरी है, आपकी नियत को ठीक करना जरूरी है। जब तक आपकी सोच, आपकी नियत, आपके विचार ठीक नहीं होंगे तो ऊपर के लिबास से परमात्मा को कभी नहीं पाया जा सकता, कभी नहीं पाया जा सकता। माँ बाप के लात मारते, मंदिर में सेवा करते तो ऐसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। महापुरुषों ने क्या कहा है, तन संवारने से, नहाने धोने से, या माला तिलक लगाने से, या काले पीले लाल सफेद कपड़े पहनने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, मन निर्मल करने से परमात्मा मिल जाता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन हमारे कथाकथित गुरुओं ने आडंबर बना दिया है, पाखंड बना दिया है। राम राम पूजा पाठ जप तप पे ज्यादा ध्यान देते हैं, विचार शक्ति को हमारे संतों ने, स्वामी नित्यानंद जी महाराज, कबीर, नानक, दादू, संत तुकाराम, एकनाथ, जो दुनिया के बड़े बड़े संत हुए हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है, कोई मिलावट नहीं रखी है। उन्होंने विचार का अंग लिखा है ग्रंथ में, विचार का अंग लिखा है, जोर दिया है विचार के ऊपर। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, भाई नितानंद मिश्री कहे मुख ना मीठा होए, बिना प्रीत हर हर कहे पार ना पूछा कोई। के भाई मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं हो सकता, राम राम कहने से गुजारा नहीं हो सकता, जब तक राम आपके भीतर में नहीं रमेगा, जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपके हृदय में प्रेम पैदा नहीं होगा, आपकी आंतरिक यात्रा नहीं हो सकती। भले ही आप दिन रात पूजा पाठ करते रहें, ग्रंथ पाठ करते रहें, भले ही बड़ी बड़ी प्रवचन आप करते रहें, कथाएं आप करते रहें, इन सब बातों से और मन की पवित्रता में बड़ा फर्क है। ये बड़े सहायक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सहायक हो सकते हैं, और सोने पे सुहागा हो सकता है, अगर आपकी सोच बदले, विचार बदले और आपका मन निर्मल हो जाए तो हरि कथा से उत्तम दुनिया की दौलत है ही नहीं। ये जमीन, ये जायदाद, ये दौलत, ये शोहरत एक दिन समाप्त हो जाएगी। नजर दौड़ा के देखना किसी की नहीं रही है, लेकिन आपका श्रेष्ठ कर्म हजारों जन्मों के बाद भी आपने भुगतान करना पड़ेगा। और राम नाम की दौलत इस शरीर के बाद भी आपके काम आ सकती है, क्योंकि ये शरीर के भीतर चेतन आत्मा आप हैं, आप शरीर नहीं, आपकी आत्मा निकल गई, शरीर डेड है। शरीर बलवान है, शरीर धनवान है, शरीर सुंदर है, लेकिन आत्मा नहीं, तो कोई सुंदरता, कोई बलवानपना, कोई धनवान काम नहीं आएगा। और आत्म कल्याण के लिए हमने क्या किया है, कभी एकांत में बैठ के मंथन करना, विचार करना, अपनी अंतरात्मा से पूछना,
हम आत्म कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, लेकिन संत कह रहे हैं विचार को ठीक करें, विचार को ठीक करें, सोच को ठीक करें। आपका विचार ठीक होगा, आपकी सोच ठीक होगी, आपका मन निर्मल होगा, और जब मन निर्मल होगा तो परमात्मा ऑटोमेटिक आपके भीतर उतर जाएगा, घट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बदल जाएंगे, क्योंकि आपके भीतर प्यास पैदा हो जाएगी उसके दर्शन की। और आज जो प्यास है वो ऊपर के गीतों की वजह से है। आंतरिक प्यास जब होती है, जैसे महापुरुष कहते हैं चंदन के टुकड़े टुकड़े कर डारो तजे नहीं महकार, सुगंध नहीं तजता है, चाहे टुकड़े टुकड़े कर दो। और आज अगर कोई व्यक्ति, आप बड़े ज्ञानी, बड़े ध्यानी, बड़े महात्मा, बड़े त्यागी, बड़े वैरागी होने की उद्घोषणा करते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको जरा सा कुछ भेद भरा शब्द कहे तो आप भीतर से खिन हो जाते हैं। एक तरफ तो चंदन टुकड़े टुकड़े कर डालो उदाहरण देते हैं और महक नहीं तजता, और आप जरा सा फेर बदल हुआ आपकी विचार बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, और आप झगड़े के लिए उतारू हो जाते हैं, और फिर कहते हैं मैं धर्मात्मा, मैं पुणात्मा, मैं सत्संगी, मैं त्यागी, मैं बैरागी। क्या त्याग दिया और किस त्याग की बात करते हो? घर छोड़ना या जंगल में रहना या अन्न छोड़ने से कोई परमात्मा मिले, ये कोई जरूरी थोड़ी है। महापुरुष तो स्पष्ट कहते हैं कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, बस मन की भ्रांति को मिटाना है। महापुरुष स्पष्ट कहते हैं मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। उन्होंने तो कोई पर्दा डाल के बात नहीं की है, लेकिन हम क्या करते हैं? आज के कथा कथित गुरु क्या करते हैं? नहीं भाई, ये सार नाम है ये इतने पैसे में मिलेगा, ये सत नाम है इतने पैसे में मिलेगा, पाखंड बना दिया। और हम क्या हुए, हम भीड़ उस पाखंड को स्वीकार कर लिया। ध्यान रहे, जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, जब तक आपकी प्रीत सच्ची नहीं होगी। कबीर साहब कहते चीटी के पग गुंगुरु बाजत है, ताको भी वो सुनत है। क्या आपके मन की पुकार नहीं सुनेगा? क्या आपका हृदय का रोना नहीं सुनेगा? तुलसी अपने राम को रीज, चल वो विषय दूसरा है। और जब तक आपके हृदय में सच्ची मोहब्बत नहीं होगी, एक साधारण व्यक्ति की तो बात छोड़, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, अगर आप उनसे प्यार करेंगे तो वो भी आपके प्यार का इंतजार करेंगे, वो भी आपको देख के एक्टिविटी अलग भाव से पेश आने की कोशिश करते हैं। अगर आप कुत्ते से प्यार करते हैं, आप दूर से आ रहे हैं तो दौड़ के आपके पैरों को चूमने लग जाएगा, वो छूने लग जाएगा। कोई पशु अगर आप रोज हाथ फेरते हैं, आप उसको रोटी देते हैं, वो आपकी आने का इंतजार करेगा। और आप परमात्मा को प्यार करते हैं और फिर कहते हैं मिलता नहीं। नहीं, कहीं ना कहीं हम अहंकार के वशीभूत खड़े हैं, कहीं ना कहीं हम दिखावा और पाखंड के अधीन होकर के अंतरिक्ष यात्रा नहीं करते। कहीं ना कहीं माया जीव को झटक देती है। दसवें द्वार पे जाने पर भी जीव काल का ग्रास बन जाता है। दसवां द्वार, नौ दरवाजे प्रकट दिख रहे हैं, दसवें में पहुंचने पर भी जीव वापिस आ जाता है। स्वामी नितानंद दयाल कहते हैं जोग धारणा लगाए के पहुंचे दसवें द्वार, रिद्धि सिद्धि के रूप में माया लिए उतार। माया इस जीव को दसवें दरवाजे से भी उतार लेती है। इसलिए सदगुरु के प्यारे सत्संग जी, आप स्वयं जागे, आपके विचारों को आप पकड़ने की कोशिश करें। मेरे अंदर मान है, निंदा है, अपमान है, मेरे अंदर द्वेष है, ईर्ष्या है, कपट है। बुद्ध के बड़े प्यारे वचन है, आप है दीप है भव है, कि अपना दीपक स्वयं बनो। जब तक हम अपने भीतर विचार शक्ति को जागृत नहीं करेंगे,
तो हमारे अंदर बदलाव नहीं आ सकता है। सीधे आंख बंद करके बैठने से बात नहीं बनेगी। जब तक आपका भजन सिमरन आपके कार्य में, आपके व्यवहार में, आपके भोजन में, आपके हार में, विचार में शामिल नहीं होगा, तब तक इस कलयुगी जीव की बात बनी नहीं सकती है। महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी वैरागी भटक गए, साधारण व्यक्ति की औकात ही क्या है। इसलिए सदगुरु के प्यारी सत्संग जी, आप नित सिमरन सेवा करके अपने आहार विहार को ठीक करिए, फिर धीरे 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 जब प्रेम पैदा होगा, प्यास पैदा होगी, हरि दर्शन का लगाव बनेगा, भूख पैदा होगी, भीतर मांग होगी, तो दीदार होगा, दर्शन होगा, पाप भी कटेंगे। और जिनके लगी ना, वो मार्ग कोई और है। मंसूर के लगी लगन परमात्मा से मिलन की, मंसूर के हाथ काट दिए गए, मंसूर के पैर काट दिए गए, फिर भी मंसूर ने महकार नहीं छोड़ी, फिर भी मंसूर ने अपने हृदय से किसी का अपमान, गाली या निंदा के शब्द नहीं कहे। मंसूर को सूली पे लटका दिया, और जब मंसूर को सूली पे लटका गया तब मंसूर ने कहा, हे परमात्मा, इन लोगों को माफ कर देना, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये भोले हैं, इतनी ऊंच विचार, इतना ऊंचा, इस शरीर से ऊपर कौन उठ सकता है। कोई आध्यात्मिक गुरु, कोई सदगुरु की मेहर जिस पे होए, नहीं तो मौत से डर सभी को लगता है। जो जाग गया, जो जान गया, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से पार चेतन आत्मा, जो जान गया इस घर मेरा नहीं, ये घर तो एक दिन छूट जाएगा, 10, 20, 50, 100 साल का मेहमान आखिर तो जाना पड़ेगा, ये नहीं तेरा घर बंदिया, कुछ अगले घर का कर बंदे, ये तेरा घर नहीं, ये तेरा ना मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। जैसे पक्षी पेड़ पर आकर बैठते हैं रात को और प्रभात होते ही छोड़ करके चले जाते हैं, ऐसे ही एक दिन हमें भी छोड़ के जाना पड़ेगा, ये अटल सत्य है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, जाग जाओ, विचार करो, मालिक के नाम का सिमरन करो, परमात्मा को याद करो, क्योंकि कलयुग में नाम आधार है। और आप अपनी अंतरात्मा से जब पूछेंगे, अपने आप से पूछेंगे, आपके पास कौन सी दौलत है जो शरीर के बाद भी काम आएगी, आप लिख लेना जमीन जायदाद, आप लिख लेना परिवार शरीर, आप लिख लेना आपकी एफडी जितनी दौलत शोहरत है, फैक्ट्रियां दुकानें लिख लेना, पर उस चीज को काट देना जो साथ नहीं जाएगी। आप काटते रहना और काटते रहना, और आखिरी में आपने जो लिखा है बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठा, उसमें एक भी चीज ऐसी नहीं बचेगी जो आपके साथ जाएगी। शरीर भी नहीं, परिवार भी नहीं, गोती नाती भी नहीं, बैंक बैलेंस भी नहीं, आपकी डिग्रियां भी नहीं, आपकी दौलत भी नहीं। इससे ये सत्य हुआ है प्रिय बंधु, कि जो यहां मिला है वो यहीं बिछड़ेगा, जो यहां मिला है वो यहीं बिछड़ेगा। और जिसने सब तज चलना सो क्यों करे गुमान, जिसने सब छोड़ के जाना है वो अभिमान, वो गुमान, वो नफरत, जो ईर्षा, वो द्वेष क्यों करता है, वो अनजान पने में करता है। और जिनको समझ आ गया वो मंसूर की तरह परमात्मा से क्षमा मांगेगा और प्रार्थना करेगा। जिस मंसूर के लोगों ने पत्थर मारे, जिस मंसूर के हाथ काटे, जिस मंसूर के पैर काटे, और जिस मंसूर को फांसी पे लटका दिया, वो मंसूर कहता है, प्रभु इनको माफ कर देना। स्वामी नितानंद दयाल कहते हैं, नितानंद सिर सौंप के जाए मिले मंसूर, सूली सीढ़ी हो गई मिला नूर बे नूर, मंसूर सिर सौंप के पहुंच गया। इसलिए लागी का मार्ग और है। बाबा शेख फरीद की एक घटना आपने बहुत लोगों ने देखा होगा। एक तस्वीर में एक बहुत वृद्ध व्यक्ति ऐसे लेटा हुआ है, लंबे पांव करके,
और दोनों हाथों की उंगलियां ऐसे कर रहा है, ऊपर एक काग भी बैठा है। ऐसी तस्वीर आपने देखी होगी, वो बाबा फरीद की तस्वीर है। बाबा फरीद कह रहा है आ कागा बैठ, उस काग को कह रहा है जो सुखी टहनी पे बैठा है, जिनका शरीर पिंजर हो गया। बाबा फरीद कह रहा आ कागा बैठ, चुन चुन खा मेरा मांस, दो ने ना मत फोड़िए मोहे राम मिलन की आस। कागा बैठ मेरा मांस खा, मेरी हड्डियों पर का मांस खा जा, पर मेरी दो नैन मत फोड़ना, मोहे मेरे सदगुरु से मिलने की आशा है। क्योंकि सदगुरु हमारे सोए हुए हंस को जगा देता है, काल जाल से भय से मुक्त कर देता है। वो सदगुरु जो भीतर का भेद लिखाए, एक बाहर का विज्ञान है। यहाँ बैठे आप अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया के किसी कोने में भी आप बात कर सकते हैं, ये बाहर के विज्ञान से संभव है। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका, कनाडा, जापान के बैठे हुए लोग आपके सामने बात कर रहे हैं। ये बाहर के विज्ञान ने खोज की है। भीतर का विज्ञान आदि अंत की गा सकता है। भीतर का विज्ञान अपने स्वयं को जो जान जाता है वो आदि अंत की जानता है, इस लोक की, भूलोक की और ब्रह्मांड की जानता है, और इस सब जगह से परे की वो जानता है। इसलिए भीतर का विज्ञान, जिन्होंने भीतर अपने आप को जाना, वो आदि अंत की गा सकता है। भ्रांति क्या है? नाम जो लोगों ने दिया वो स्वीकार किया, जाति जो लोगों ने दी वो स्वीकार की, लेकिन जाति और नाम से परे जो चेतन आत्मा है उसका हमें अनुभव नहीं, और जिसकी वजह से हम भटकते रहते हैं, और फिर अन्य योनियों में भी ये जीव आत्मा भटकती रहती है। संत कहते हैं अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान कि अपना मूल कौन है, बोलनहार कौन है। शरीर तो ठीक है, ये ब्राह्मण, ये बनिया, ये जाट, ये राजपूत, ये गुजर, ये यादव, ये हरिजन, ये वाल्मीकि हो सकता है, पर शरीर के भीतर कौन है? ये घर ईंट पत्थरों का हो सकता है, ये घर के भीतर कौन है? क्या घर और घर के भीतर रहने वाला एक है? घर और घर के भीतर रहने वाला दो है। घर अलग है, घर के भीतर घर का मालिक अलग है, शरीर और शरीर के भीतर आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर का मालिक शरीर से निकल के चला जाए, शरीर डेड है, ये बोल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, ये फिर नहीं सकता, ये खा नहीं सकता, और वो आत्मा है तो ये सब कुछ कर सकता है। बाजिंद नाम का बादशाह व्यापार करने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसका ऊंट, जो पर्सनल ऊंट था, वो मर गया रात को। सुबह बाजिंद कहने लगा उठाओ ऊंट को, भाई इस ऊंट को उठाओ, सभी उठ गए, मेरे वाले ऊंट को भी उठाओ। बाजिंद कह था ऊंट ने लोग कहे मुआ, नक्शक बिगड़ा है नहीं, बाजिंद को अचंबा हुआ। बाजिंद कह रहा लोग ऊंट को उठाओ, लोगों ने कहा महाराज जी मर गया। बाजिंद ने कहा क्या मर गया, इसके तो कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, पूंछ भी है, पांव भी है, पेट भी है, गर्दन भी है, क्या मर गया? लोगों ने कहा महाराज इसके अंदर जो चेतन आत्मा थी वो चली गई है, अब ये शरीर रह गया है। बाजिंद कहने लगा अच्छा तो एक दिन मेरे साथ भी ऐसा होगा। लोगों ने कहा महाराज ये तो अटल सत्य है, ये सबके साथ ऐसा ही होना है। बाजिंद कह था ऊंट ने लोग कह मुआ, नक्शक बिगड़ा है नहीं, बाजिंद को अचंबा हुआ। बाजिंद हैरान हो गया, मेरे साथ भी ऐसा होना है, और वो चोट कर गई भीतर, वैरागी बन गया, एकांत चला गया, छोड़ गया, कदे पालंगिया में झूलता आज पाया लागी गारा। बाजिंद फकीर हो गया। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी,
फकीर मन को करना है, तन को नहीं। और जब मन फकीर हो जाएगा पर तन फारिग हो जाएगा, मन फकीर फारिग हुआ। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते मन जब फकीर, क्योंकि असली बंधन शरीर का नहीं है। आप आसानी से जा सकते हो पहाड़ की कंदराओं में, लेकिन असली बंधन मन का है। पहाड़ की कंदराओं में जो शांति मिलती है वो आपकी शांति नहीं है, वो पहाड़ की कंदराओं का प्रभाव है। और आप सोचते हो पहाड़ की कंदराओं को देख के बस मुझे बड़ा आनंद आ गया, नहीं, भीड़, बाजार की भीड़ आपको परेशान कर देगी। और जिस दिन आपके भीतर की भीड़ मिट गई उस दिन आप बाजार में भी शांत हो, भरे बाजार में आनंदित हो, भरे बाजार में आपने अपने आप को जान लिया है, फिर बाजार में की भीड़ आपको परेशान नहीं करेगी। बियाबान, जंगल, सुनसान आपको भयभीत नहीं करेगा, क्योंकि आप शरीर से पार हो गए, आपने स्वयं को जाना है। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, पहले आहार, व्यवहार, विचार, शील, समा, संतोष धारण करिए और परमात्मा से अरदास करिए, विनती करिए, प्रार्थना करिए, आप सत्संग करिए। सत्संग यही है जब आपका विचार ठीक हो जाए, सत्संग यही है जब आपके हृदय में सत्य, धीरज, संतोष आ जाए, तो फिर आप आध्यात्मिक दौलत अर्जित होने लग जाएगी। फिर आपको किसी भूत प्रेत फिर बेकार की बातों में फिर आपने भटकना नहीं पड़ेगा, फिर रोना नहीं पड़ेगा, फिर आपको असली वस्तु मिल गई, फिर वो दौलत मिल गई जिसको मीरा ने मस्ती में गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जाको चोर चुरा ना सके, जाको मौत छीन ना सके, वो दौलत आपने पाई, जिसको स्वामी नित्यानंद जी महाराज कहते हैं अब हम राम नाम धन पाया, जो धन बांटने से घटता नहीं है, दिन दिन होत सुवाया, अब हम राम नाम धन पाया। लेकिन ये संभव है सदगुरु के शरण लाग के, बिन सदगुरु के इस जीव का कल्याण नहीं होता है। और कलयुग में नाम आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। नाम का सिमरन करिए, नितानंद हरि नाम बिन कभू मुक्त ना होए, तपी तीर्थी वेद पर चले नाम बिन रोए, नाम के बिना इस जीव आत्मा का कभी भी कल्याण नहीं होता है। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, एक दिन जाना होए जरूर, एक दिन जाना है। उस बच्चे को तो जन्म मिल गया था मनुष्य शरीर, दोबारा सत कर्म, सत विचार से, सत व्यवहार से, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें भी मनुष्य शरीर दोबारा मिलेगा। ध्यान रहे चींटी के अंदर भी चेतना है, जीव है, हाथी के अंदर भी चेतना है, जीव है, पशु पक्षी के अंदर भी चेतना है, जीव है, शरीर के अंदर भी चेतना है, जीव है। और जरूरी नहीं है कि बार बार मनुष्य शरीर मिले। हमारे संत मना करते हैं, और जन्म तेरे होंगे मानस जन्म दुहेला रे, तुम सुनियो संत सुजान सतगुरु ने दिया हेला रे, और अनेक जन्म होंगे लेकिन मानुष जन्म नहीं मिलेगा। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं बार बार ये दे नहीं और दे घणी, नित्यानंद इस दे में सुमरो राम धनी, के बार बार ये शरीर नहीं होगा और बहुत शरीर मिलेंगे। लख 84 तन बहु तेरे मनखा दे ना पाओगे, हरि नाम भजन लो लाओगे, लख 84 में शरीर बहुत होएंगे लेकिन मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए इस मानव जीवन को सार्थक करने के लिए परमात्मा ने मौका दिया है, लेकिन हम विषय विकार में, छल कपट में, बेईमानी में अपने जीवन को गंवा के चले जाते हैं। रोज रोज पूंजी समाप्त हो रही है और हम सो रहे हैं। ध्यान रहे जैसे दिए का तेल धीरे धीरे समाप्त होता है, ऐसे ही आपकी श्वासों की पूंजी भी धीरे धीरे समाप्त होती है, और एक दिन दिया बुझ जाएगा, एक दिन पूंजी मुक जाएगी, एक दिन समाप्त हो जाएगी, मिट्टी पड़ी रहेगी। और नजर दौड़ा के देखो
हमरे देखत चले गए बैरी मित्र अनेक, एक दिन हम भी जाएंगे याम मीन न मेख। हमारे देखते देखते मित्र भी बैरी भी अपने भी प्राय भी लाखों चले गए हैं। राम गया रावण गया जिसका बहु परिवार, कहो नानक थिर नहीं सपने जो संसार। राम रावण कैसे गए हैं, बाप गया दादा गया हम भी चालन हार। नितानंद इस जगत में भूले सोई गवार, के भूल मत जाना है, जाना है रहना नहीं देश बिराना है। और जिसने जाना है तो क्यों गफलत करता है, क्यों नफरत करता है, क्यों ना नेक कर मन नेकी कर ले। दो दिन का मेहमान तू पता ना कब जाना हो जाएगा। पर लोग कहेंगे बस गया क्या हुआ, हार्ट अटैक हो गया, कल तक तो ठीक था। स्वामी नितानंद दयाल कहते हैं नितानंद वो कित गया, बद बद कहता बहन जो फटाफट बोलता था वो कहां गया, और निकल गया और फिर वापिस नहीं आता है। आश्चर्य कैसी बात सकीरी, हैरानी की बात, वापिस आया नहीं आएगा नहीं और गफलत में जी रहे हैं और न जाने क्या क्या उपद्रव कर रहे हैं। इसलिए आज का सत्संग का सार है अपने कर्म को ठीक करें, क्योंकि कर्म इस जन्म के बाद भी भुगतान करना पड़ सकता है। और मालिक के नाम का सिमरन कर और अपने मूल को पहचान, तू किस काम के लिए आया था, और अपने मूल को जानेगा तो जीवन सार्थक होगा, काल के जाल से बचेगा। नहीं तो काल मरोड़े देवता पैगंबर और पीर, नितानंद कोई थिर नहीं जिन जिन धरा शरीर। काल देवी देवता पीर पैगंबर को खा जाता है, साधारण व्यक्ति की औकात क्या है। इसलिए मन सिमरन कर ले, अब तू सिमरन कर मन मेरे, अगले पिछले अब के किए पाप कटे सब तेरे। अब तू सिमरन कर मन मेरे।